के जरिए, जहां से डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव उनके साथ रहे, शिवपाल यादव रहे, रामगोपाल यादव उनके साथ में रहे। पारिवारिक तौर पर यह तस्वीर यहां पर नामांकन को लेकर कुछ इस तरह से सामने आई है। दावा यहां पर डिंपल यादव हमसे बातचीत में पहले भी कर चुकी है कि जीत तो उनकी ही होगी, समाजवादी पार्टी को ही मिलेगी। वहीं पर बीजेपी के जयवीर सिंह के साथ उनका कड़ा मुकाबला है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, हाई प्रोफाइल सीट है। डिंपल यादव को लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आखिर सियासी तौर पर क्या जीत क्या हार यहां पर होती है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक भविष्य के तौर पर ये जीत ये हार उनके आगे के सियासी भविष्य को, सियासी भविष्य की तस्वीर को तय भी यहां पर करती हुई नजर आएंगी। और देखिए, इस बीच अखिलेश यादव से भी न्यूज़18 इंडिया ने खास बातचीत यहां पर की है। जीत का दावा तो यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है 80 में से 80 इस बार बीजेपी के पाले में आएगी, उनके पाले में आएगी। लेकिन अखिलेश यादव क्या कुछ दावा कर रहे हैं, वो भी आप इस एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए, इलेक्शन धमाका के जरिए जरूर देखें। इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं। इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है, और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते। उनके विकास के होर्डिंग कहाँ हैं? और अब तो सुनने में आ रहा है जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके होर्डिंग से चेहरे गायब हैं, और अगर अभी से सांसद प्रत्याशियों के चेहरे गायब हैं तो आने वाले समय में और चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो भी गायब होगा। सर, मोहन यादव को उतारा गया, उसको कैसे देखते हैं आप? वो मोहन यादव जी यहाँ का विकास देखने आए थे और यहाँ के विकास से प्रेरणा लेकर के वो अपने मध्य प्रदेश में काम करेंगे और समय समय पर हमसे राय लेंगे विकास के लिए, तो जरूर उनको राय देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे देखते हैं सर? वो आए थे कल खाली जी सीट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से अपना प्रत्याशी बदल दिया। देखिए, प्रत्याशी बदल दिया है तो अच्छी बात है। उन्हें लगता होगा कि पहला प्रत्याशी अच्छा नहीं था, नया प्रत्याशी अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादियों ने एडजस्ट कर दिया हो अपना प्रत्याशी?